वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्सरसाइज 25 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व करेंगे। इसमें 3 क्वेश्चन ही है, उसका ए बी सी डी है। क्वेश्चन नंबर 1 है ऐड है। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, इसमें हम लोग ये रुपीज को भी ऐड करना सीखेंगे, इसको केजी को ऐड करना सीखेंगे, इसको लीटर को ऐड करना सीखेंगे इसमें, और इसमें किलोमीटर को भी ऐड करना सीखेंगे, इसमें मीटर को भी ऐड। मैंने यही चैप्टर में 27 में हम लोग चारों तरीका से हम लोग ऐड करना ही सीखेंगे। और डेसिमल है तो ये डेसिमल वाले चैप्टर ही है। ये 0 है, डेसिमल 2, 7, 5, और ये 0 है, यहाँ 0 देंगे, डेसिमल के सामने ही डेसिमल रहेगा, 4 to 5 होगा। इसको सिंपल ऐड करना है, ऐड करना है 5, 5, 10, 0, 1 carry 7 to 9, 0, 1 carry 1, 4 or 2, 6 और 1, 7, ये जहाँ रहेगा दशमलव वहीं देंगे, ये 0, 0 होगा, ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर बी है, ये है 0 है, 0, 0, 1 है, और ये 2, ये 9 है, यहाँ है 0 है, ये डेसिमल के सामने ही डेसिमल देंगे, इसके आगे पीछे इस नंबर चेंज हो सकता है आगे पीछे, और नंबर ये डेसिमल के बाद जो है हम लोग आगे जो भी नंबर दे रहे हैं वो इसके आगे नंबर का वैल्यू है, और ये जो नंबर है हम लोग का डेसिमल के पहले वाला, इसके आगे यदि हम लोग 0 लगाते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। उसी तरह से इस नंबर के पीछे जो हम लोग 0 लगाएंगे तो उसका भी कोई वैल्यू नहीं है, जबकि डेसिमल के आगे जो है जितना 0 रहेगा उसका वैल्यू रहेगा, और पीछे वाला का कोई वैल्यू नहीं है, इसके आगे वाला का कोई वैल्यू नहीं है। तो हम लोग सिंपल है, इसको ऐड है, पहले हम लोग इसको ऐड ही सीखेंगे। इसके आगे 0 दे भी देते तो भी कोई मतलब नहीं होता, ये 2 है, इसके हम पीछे 0 भी दे भी देंगे तो भी इसका कोई मतलब नहीं होगा, ये 2 का ही 2 होगा। ये 1 है, ये 0 है, यहाँ 9 है, ये डेसिमल है, ये 2 है, सिंपल ये सॉल्व हो जा रहा है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर सी है, ये 1 और 4 है, इसके सामने हम लोग 0 लगा भी सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं, इसे भी लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते। 4, 1, 5, 6, 8, 14, 4, 1 carry होगा, 9, 1, 10 और 1, 11, ये 1 carry होगा, 1 जो carry होगा ये डेसिमल के बाद वाला में भी ऐड हो जाएगा, तो 9, 1, 10 और 1 carry, 11, 1 बचेगा, 7 और 3, 10, 1 था पहले 11, 1 और 4, 1, 5, यहाँ ये वाला सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इसमें ये है डीबी बचा हुआ है, अब ये 2, 5, 6 है, इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो हम लोग ये डेसिमल के पहले लिखेंगे, इसके मतलब ये डेसिमल के बाद नहीं है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2, 5, 6। अब ये जो है इसके आगे हम लोग चाहे तो डेसिमल लगा करके 0, 0, 0, 0, 0 दे सकते हैं, चाहे जितना 0 दे उसका कोई मतलब नहीं है, नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, ये सब ऐड ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, यह 5 होगा, 7, 6, 13 होगा, 3, 1 carry होगा, और ये 6, 6, 12, 8, 1 होगा, 2, 21, 2 carry हो जाएगा, और 4, 5, 4 और 5, 9, 9, 3, 12 और 1, 12 और 2, 14, 4, 1 carry होगा, 2, 2, 4, 8, 5, और 1, 6, यहाँ डेसिमल आएगा ही, और ये 9, 1, 10 और 6, 16, 1 carry होगा, 1 और 5, 6 और 1, ये 7 होगा, ये 2, 276.64135 होगा। अब ये जो है क्वेश्चन नंबर डी सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन नंबर ए का ही ये डी था, ये इसका ही था, ये यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 2 का ये है और डी है इसमें। अब इसमें वही है, इसमें रुपीज है, ये 3 रुपीज है, 45 पैसा है, 3.45 है, ये आगे इसका रुपीज है, ये भी रुपीज है और ये भी रुपीज है। अब ये जो है इसको भी हम लोग ऐड करेंगे, बस सिंपल ही ऐड करना है, 5, 5, 10, 0, 1 carry होगा, 4, 5, 9, 1, 10, 0, 1 carry होगा, 5, 3, 8, 3, और ये 1 carry, यहाँ 12 होगा, 1 carry होगा, और 1, 1, 2 होगा, यानी कि ये 22 रुपीज हो गया, ये रुपीज यहाँ 22 होगा। उसी तरह से ये है 7.25 मीटर है, तो ये हम लोग का यहाँ मीटर है, ये भी मीटर है और ये भी मीटर है, सिंपल मीटर है, सब मीटर ही है, यदि अलग रहता तो हम लोग अलग तरह से निकालते हैं, तो सिंपल ये भी ऐड हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ ऐड करना है, ये भी हम लोग ऐड है, ऐड ही करेंगे, ऐड तो ये 5, 5, 15,
वन कैरी होगा, सेवन थ्री टेन, वन इलेवन, इलेवन टू थर्टीन और वन फोर्टीन, फोर वन कैरी होगा, सेवन टू नाइन, टू इलेवन और वन ट्वेल्व के टू होगा और वन कैरी होगा, वन वन ये टू हो गया, ये इतना 12.45 मीटर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सी है, ये केजी में है, हम लोग 90 और ये 90 केजी, 250 ये 250, इसको ग्राम हम लोग बोलते हैं, ये इतना केजी है हम लोग का, ये है 186.450, ये भी केजी है, और ये है 1001 किलो और 750 ग्राम है, तो ये है 1001 केजी और 750, ये इसको हम लोग ग्राम बोलते हैं, पॉइंट के बाद ये ग्राम आएगा। उसके बाद क्या है, ये सिर्फ 98 केजी है, स्वाभाविक है कि इसके हम लोग आगे लगाएंगे, यहाँ केजी है ग्राम में है नहीं, 98 होगा, और ये हम लोग इसको 00 डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे कोई मतलब नहीं है इसको। अब ये केजी है, ये भी इसको ऐड ही करना है, ये जीरो होगा, 5 3 15, 1 3 4 7 7 14, 4 1 कैरी होगा, और 8 और 1 9, 9 और 6 15 और 1 16, 6 1 कैरी होगा, 9 8 17, 17 और ये 9 25 और वो 26 और 1 कैरी 27, 2 कैरी होगा, 1 है यहाँ, 2 3 हो जाएगा और ये 1 का 1 ही रहेगा, ये हम लोग का इतना केजी निकल गया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर सी है, और क्वेश्चन नंबर डी क्या है, 335 के पॉइंट 280 के लीटर है, और ये 42.500 ये लीटर है, और ये क्वेश्चन नंबर लास्ट में 8.700 ये लीटर है, इसी 15 लीटर है, ये 15 ये लीटर है। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, ऐड ही है, ये जीरो है, यहाँ 8 है, 14 4 1 कैरी, 20 और 1 21, 2 कैरी हुआ, 3 टू 5 5 और 4 9 और 1 ये 10 हो गया। अब 101 लीटर और 480 ml होगा, इसको हम लोग ऐसे जब पढ़ेंगे तो ऐसे इतना लीटर होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड करना है, इसमें हम लोग को सब्सट्रैक्ट करना है, ये रुपीज़ है और ये लीटर है, ये किलोमीटर है, मीटर है और ये केजी है, हम लोग को हर तरह से इसमें सब्सट्रैक्ट करके सीखना है, किस तरह से लीटर को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना लीटर कैसे होगा, किलोमीटर कैसे करेंगे, और ये और इसको हम लोग फर्स्ट को ये को सोल्व करते हैं, सब्सट्रैक्ट ही है, ये 3 से 2 माइनस होगा 1 हो जाएगा, 1 है वो यहाँ 1 ही रहेगा, 8 में से 2 जाएगा 6 होगा, ये पॉइंट यहाँ ही रहेगा, ये 6 में से 8 नहीं जाएगा तो हम लोग ये 1 कैरी करेंगे, 1 कैरी करेंगे तो 16 में से 8 सब्सट्रैक्ट होगा तो 8 बचेगा, यहाँ हम लोग 1 कैरी किए थे, यहाँ 4 है, 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ 2 होगा। क्वेश्चन नंबर डी है, डी पहले सोल्व करेंगे उसके बाद डी सोल्व करेंगे। अब यहाँ क्या है, यहाँ 5 है और यहाँ 0 है, इसको यहाँ कुछ नहीं है, मान लो कि हम लोग यहाँ कुछ नहीं है, हम लोग यहाँ 0 देते हैं, नहीं भी देते हैं तो भी यहाँ 5 है तो यहाँ 5 ही होगा। अब यहाँ ऊपर हम लोग का 0 है, नीचे 2 है, स्वाभाविक है इसे 0 से तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, हम लोग ये 9 से कैरी करेंगे, 9 से इसको हम लोग इसको देंगे पहले तो ये 10 होगा, 10 इसको हम लेंगे तो ये 9 होगा, फिर इससे हम इसको हम लोग देंगे तो ये तो ऑलरेडी 10 रहेगा, लेकिन ये जो दोनों के पास 9 ही बचेगा और ये 10 हो जाएगा। अब 10 में से 2 माइनस होगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, ये 9 बचा, 9 में से 6 जाएगा 3 होगा, ये 9 ही है, 9 में से 4 जाएगा तो ये 5 होगा, यहाँ ये एक तो दे चुका है इसको तो यहाँ 8 ही बचा, 8 में से 7 माइनस होगा क्या होगा, ये 1 ही होगा। अब ये 10 है, हम लोग यहाँ 10 लेंगे और ये सब्सट्रैक्ट करना है, इस तो यहाँ नीचे है 0 है, इसके आगे पॉइंट है 0 0 0, 3 0 है और ये 2 है, इसके पास ऊपर कुछ है नहीं है, 0 है, तो ये पॉइंट के बाद जो हम लोग जो भी 0 देंगे वो 10 के ऊपर कोई इससे मतलब नहीं है,
सब्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग को देना ही पड़ेगा, इसलिए कि ये 2 है, 2 को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, इससे हम लोग कैरी करेंगे ही, कैरी करेंगे तो यहाँ लास्ट वाला जो है हम लोग को इसके पास 10 बचेगा, 10 से 2 जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, ये जो है यहाँ 9 है, यहाँ 9 ही आएगा, 0 है नीचे, ऊपर वाला भी 9 होगा, यहाँ 9 है 0, स्वाभाविक है ना, जिससे सब्सट्रैक्ट होगा नीचे 0 है तो यहाँ उतना ही रहेगा, ये ऑलरेडी 1 इसको दे चुका है तो यहाँ इसके पास 9 ही है, तो ये यहाँ 9 ही रहेगा, 9.998 होगा। अब क्वेश्चन नंबर डी है, ये तो आराम है, इसमें ऐड हो जाएगा, ये 0 है, ये सब्सट्रैक्ट ही है, ये 15 होगा, 1 कैरी करेगा तो 15 में से 8 जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 7 है, यहाँ हम लोग का डेसिमल है, अब इसको हम लोग 1 इसको दे चुके हैं तो यहाँ 4 ही बचेगा, तो 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये रुपीज है। अब क्वेश्चन नंबर ई है, ई में हम लोग क्या है, ये किलोमीटर दिया हुआ है, किलोमीटर के लिए क्या है, ये 0 है, यहाँ 0 से 0 होगा, कोई टेंशन नहीं है, 0 ही होगा, अब यहाँ 0 है, नीचे 5 है, तो अब ये हम लोग कैरी करेंगे इससे, बगैर कैरी किए हुए ये नहीं होगा सब्सट्रैक्ट, ये क्या होगा, यहाँ से कैरी करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 से 5 जाएगा, 5 है, यहाँ 4 बचा है, 4 से तो 8 माइनस होगा नहीं, तो हम लोग फिर इसे लेंगे, फिर 1 से इससे हम कैरी करेंगे, 14 है, यहाँ 8 है, तो यहाँ 6 होगा, यहाँ डेसिमल है, और यहाँ 5 बचा, एक तो हम लोग इसको दे चुके थे, 5 से 0 होगा, 5 ही होगा, और यहाँ हम लोग को 3 है, इसके हम लोग दिए नहीं है, ये 3 से 1 जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हम लोग का इतना किलोमीटर है, ये 13 मीटर है, और 10.400 मीटर, हम लोग 10 कटिंग के सामने ही लिखेंगे, अब 400 मीटर है, तो यहाँ 400 हम लोग लिखेंगे, ये मीटर है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ये तो पहले मीटर है तो यहाँ हम लोग सब्सट्रैक्ट होगा नहीं, तो यहाँ हम लोग इसके आगे भी 0 देना ही पड़ेगा, 4 3 0, अभी तब जा करके ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ये मीटर है, ये यहाँ से हम लोग क्या है, 0 है, तो यहाँ 0 ही लिखेंगे, ये 0 है, 0 से 0 ही होगा, अब यहाँ 4 है, स्वाभाविक है कि ये तो 0 से सब्सट्रैक्ट होगा नहीं, तो हम लोग इससे कैरी करेंगे तो 10 है, 10 में से 4 माइनस हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये यहाँ इसके पास 2 बचा, 2 से 0 होगा तो 2 ही होगा, और 1 1 ये कुछ नहीं बचा, ये 0 ही है, यानी कि 2.600 ये मीटर हो गया। अब ये जो है हम लोग पहले जी सोल्व करेंगे, इससे पहले ये लीटर है, तो ये क्या होगा, यहाँ 5 ही होगा, ये यहाँ 2 है, 5 सब्सट्रैक्ट होगा नहीं, हम लोग कैरी करेंगे, 12 से 5 जाएगा, ये 7 होगा, यहाँ 0 हो गया, इसके पास कुछ है नहीं, हम लोग यहाँ से लेंगे, 10 से 2 होगा माइनस, तो 8 हो जाएगा, यहाँ 6 ही बचा, एक तो हम लोग इसको दे चुके थे, 6 6 क्या हो जाएगा, यहाँ 0 होगा, और 8 में से 1 यहाँ 7 होगा, ये 70.875 ये लीटर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर एच है, एच ही 400 है, हम लोग इसके आगे भी ये सबसे पड़ेगा इसके ऊपर, फिर 0 देंगे, और ये केजी तो है ही, 400 केजी है, अब ये केजी यहाँ रहेगा, ये 0 0 ही होगा, अब हम लोग यहाँ से कैरी करेंगे इससे 1, तो ये इसके आगे 10 होगा, 10 से 5 जाएगा, 5 होगा, ये 9 बचेगा, यहाँ 9 से 6 जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ 9 ही है, 9 से 0 हो जाएगा, तो 9 ही होगा, फिर यहाँ 9 ही है, 9 से 5 जाएगा, ये 4 होगा, और इसके इसके ये तो दे चुका था पहले, तो ये 3 होगा, 3 में से 1 जाएगा, ये 2 होगा। अब क्वेश्चन नंबर आई है ये 25 है, यहाँ 18.950 ये केजी है, ये भी 25 केजी है, तो हम लोग ये सब्सट्रैक्ट करने के लिए 0 लगाएंगे ही, दूसरा कोई उपाय नहीं है, इसलिए हम लोग 0 लगाएंगे ही, ये भी सब्सट्रैक्ट ही है, क्या करेंगे, ये केजी, ये 0 0 रहेगा, 10 से 5 5 होगा, यहाँ 9 बचा, 9 से 9 ये 0 हो जाएगा, यहाँ 4 है, इसे हम लोग कैरी करेंगे, 14 8 यहाँ 6 बचेगा, यह 1 बचा, 1 1 ये 0 हो जाएगा, ये 0.06.05 केजी हो गया। मुझे आशा है कि मैं जो बनाया हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत